नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। भारत को अजूबों का देश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पुरातन समय में मनमोहक नक्काशी द्वारा बने मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित विभिन्न देवी देवताओं की रहस्य से भरी मूर्तियां यह प्रमाणित करती हैं कि प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों को विज्ञान की मौजूदा समय की तुलना में बेहतर जानकारी थी। मंदिरों में छिपे रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ सका। एक विशेष अजूबा कर्नाटक के शहर सिरसी में शलमाला नदी के पास भी है। यहाँ पर इस धरती के आधार कहे जाने वाले कण कण में विद्यमान भगवान शंकर के हजारों की तादाद में बने शिवलिंगों का नदी की जलधारा ही जलाभिषेक करती है। किसने करवाया था इन हजारों शिवलिंगों का निर्माण? मान्यता के अनुसार 16वीं शताब्दी में सदा शिवा नारायण नाम के एक राजा थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव भक्ति में लीन होने के कारण उन्होंने भगवान शिव की अद्भुत रचना का निर्माण करवाने की ठानी। राज्य में से बहने वाली शलमाला नदी के आसपास स्थित चट्टानों पर ही भगवान शिव का एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में शिवलिंगों का निर्माण करवा दिया। इतना ही नहीं, इन शिवलिंगों के पास शिव परिवार की प्रतिमाओं का भी निर्माण करवाया। इन शिवलिंगों के पास नंदी नागों की भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। राजा सदा शिवा राय ने यह सभी शिवलिंग व शिव परिवार की प्रतिमाओं का निर्माण इस ढंग से किया ताकि सभी का नदी की जलधारा हर पल जलाभिषेक करती रहे। हजारों शिवलिंग एक साथ होने की वजह से इस स्थान का नाम सहस्त्रलिंग पड़ा। इन प्रतिमाओं के बनने का समय 1678 से लेकर 1718 तक का माना जा रहा है। शिवरात्रि व श्रावण सोमवार को लगता है मेला। राजा सदाशिवा राय की ओर से बनाए सहस्त्र शिवलिंगों को देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त व विदेशी पर्यटक आते हैं, परंतु शिवरात्रि व श्रावण के सोमवार पर यहाँ मेला लगता है। हजारों शिवलिंगों का पूजन देखने लायक होता है। जब नदी की जलधारा का वेग कम होता है तो समूचे शिवलिंग व शिव परिवार के एक साथ दर्शन होते हैं। यह अद्भुत नज़ारा देखने लायक होता है। कंबोडिया में भी स्थापित हैं सहस्त्र शिवलिंग। शलमाला नदी के किनारे स्थापित सहस्त्र शिवलिंग की तरह ही कंबोडिया में भी एक स्थान पर हजारों शिवलिंग बने हुए हैं। इसकी जानकारी 1669 में जीन बोलबेट जनमानस ने दी थी। गौर हो कि जीन लंबे समय से मनुष्य जाति से जुड़े रहस्य खोजने में लगे हुए हैं। उनके अनुसार उक्त शिवलिंग राजा सूर्यवर्मन प्रथम के समय में बनना शुरू हुए और राजा उदयदित्य वर्मन के समय में पूर्ण तौर से बनकर तैयार हुए। इन राजाओं ने 11वीं और 12वीं सदी में वहां राज किया था। कंबोडिया में सहस्त्रलिंग कबोल सेपियन नदी में स्थापित हैं। तो दोस्तों, यह थी ऐसे हजारों अद्भुत शिवलिंगों से जुड़ी जानकारी जिनका जलाभिषेक नदी की जलधारा करती है। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।